हम तो इंतजार कर रहे थे और हमने जनता भी इंतजार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए, अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। वहीं कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली जाएगी और अब तक के न्यूनतम वोट कांग्रेस को, न्यूनतम वोट भी और न्यूनतम सीट भी कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ ऐसी कांग्रेस जहां नेता नहीं है, नीति नहीं है और नियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर तीसरे चरण में विदिशा में चुनाव है जहां से आपको प्रत्याशी? हाँ, और जल्दी हो जाते तो मजा आता। अब तीसरे चरण का भी इंतजार करेंगे और जनता का भारी प्यार और स्नेह मिलेगा। सर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने सभी 29 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के अभी चंद सीटें ही उतार पाएंगे? वो उतारें कहां से, मिल ही नहीं रहे। बड़े नेता चुनाव परिणाम जानते हैं, इसलिए चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। अब जिस सेना में सेनापति गायब हो रहे हों, सेना का हश्र क्या होना है हम सब जानते हैं, इसलिए कौन लड़े। तो आपका फोकस विदिशा पर रहेगा कि पूरे मध्य प्रदेश पे या फिर पार्टी? पार्टी मुझे जहां भेजेगी मैं वहां जाऊंगा। विदिशा की जनता का वैसे ही आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन जनता को प्रणाम करने में जाऊंगा जरूर, लेकिन बाकी समय पार्टी जहां मुझे भेजेगी वहां मैं चुनाव प्रचार करूंगा। क्योंकि अब तक बुधनी की जनता यही कहती है कि नामांकन भरिए फिर हम संभाल लेंगे। अभी तो विदिशा वाले भी यही कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं जनता के बीच जाऊंगा जरूर आशीर्वाद लेने।